जब तुम कोई प्राइवेट कॉलेज के अंदर जा रहा हो तो उसके यार एवरेज पैकेज कितना है, बाकी सब तो इसका ठीक ठाक ही है, ठीक है। मतलब ये तो कैंपस अगर अच्छा नहीं है तो कॉलेज क्या? इस कॉलेज का यार खासियत क्या है यार? खासियत इसका कैंपस, कैंपस बहुत बड़ा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद आकाश, वेलकम बैक टू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। यार भैया आप इतने दिन से यार आपका क्या ट्रेनिंग चल रहा था? हाँ यार मेरा ट्रेनिंग अभी भी चल रहा है, इसे कर रहा उतना रेगुलरली अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ। बट लास्ट जो वीडियो के अंदर तुम लोग रिस्पॉन्स दिए थे, हल्दिया वाला वीडियो यार, चलो नहीं देखे ऊपर कार्ड में जाके देख लेना, ठीक है। उस वीडियो के कारण मेरे को ये वाला वीडियो बनाना बहुत सख्त जरूरत बन गया, ठीक है। तो भाई अब क्या लेके बात करने वाले हो, जैसे लोग थंबनेल के अंदर देखे हो, टॉप 5 बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ वेस्ट बंगाल या फिर ऑफ वेब G2020 लेके हम बात करने वाले हैं, ठीक है। जो कॉलेज के ऊपर हम बात करने वाले हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बोल सकते हो प्राइवेट है ऑब्वियसली, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यार मैं तीन चीज को देख के इस कॉलेज जो भी और मैंने कॉलेज देने वाला हूँ वो जजमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। पहला बात तो ये कि इसका ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट रिकॉर्ड जो सब लोग देखते हैं यार, सबसे जब ये कॉलेज है इसका यार भैया इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, ठीक है। नंबर टू पॉइंट है कि इसका NIRF रैंकिंग एंड इसका कैंपस, ठीक है, मतलब कैंपस के ऊपर हम जजमेंट करेंगे प्लस NIRF रैंकिंग। एंड तीसरा पॉइंट जो सब लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो कॉलेज तुम्हारा होगा वो बजट फ्रेंडली भी होना चाहिए, मतलब कितना सेमेस्टर फी ले रहा है, ठीक है, हॉस्टल के साथ कितना ले रहा है, व्हाटएवर वो लेके हम बात करने वाले। तो इस वीडियो यार होगा अनबायस्ड जजमेंट, यार मैं अपना कॉलेज या फिर कोई अदर कॉलेज को यार कोई स्पॉन्सर वगैरह वीडियो है नहीं, मैं पहले ही बोलूंगा। तुम लोग यार देख सकते हो पहला कॉलेज जो सब लोग जानते हो इसका नाम है यार IEM या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है। इस कॉलेज के अंदर खासियत क्या है, इस कॉलेज के अंदर CST के जो ब्रांचेस का यार प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, 180 सीट है, तुम लोग देख सकते हो CST में। अगर हम CST के साइड बोलेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर 60 सीट है, IoT के अंदर 60 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर 60 सीट है। इस कॉलेज का खासियत क्या है कि ये वाला इसका कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड लास्ट 5 या फिर 10 साल के अंदर बहुत ही अच्छा है CST के ब्रांच के ऊपर या फिर IT के ब्रांच के ऊपर, बाकी ब्रांच का उतना कुछ है नहीं है ऐसा अगर हम बोलेंगे, बट ऑन द सेम केस हम इतना बोल सकते हैं कि CST का यार बहुत ज्यादा इसका यार तुम लोग देख सकते हो इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड या फिर इसका पैकेज, ठीक है। लास्ट 2021 का अगर हम रिकॉर्ड देखेंगे 93.7% बच्चे प्लेस्ड हुए थे, मैक्सिमम CTC गया था 38 लाख, जो कि यार काफी बहुत बड़ा नंबर होता है। हम सब इसका यार देखो मैं सबको यार एक ही बात बोलूंगा, जब तुम कोई कॉलेज देख रहे हो ना उसका हाईएस्ट पैकेज की ओर मत देखो, उसका एवरेज पैकेज देखो। शायद तुम वो बच्चे हो भी सकते हो ना भी हो सकते हो जो कि यार टॉप करते हैं, बट तुम एक एवरेज बच्चे तो होंगे राइट। तो तुमको यार क्या देखना है, जब तुम कोई प्राइवेट कॉलेज के अंदर जा रहे हो तो उसके यार एवरेज पैकेज कितना है, इसका एवरेज पैकेज काफी अच्छा 6.5 LPA है जो कि लास्ट साल गया था, इसका 3 साल का रिकॉर्ड तुम लोग देख सकते हो। NIRF रैंकिंग में इसका 101 है, तुम्हें क्या बोला था ये इतना कुछ करके ऊपर तुम्हारे IEM का जिस बिलीव मतलब रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। मैं स्वयं कोलकाता का रहने वाला हूँ, मैं सेक्टर 5 में काम किया, सेक्टर 5 कॉलेज मोर के ऊपर ये वाला कॉलेज है। तुम यार उल्टा से बस पकड़ के किसी को बोल सकते हो कि हाँ मेरे को IEM जाना है, वो तुमको उतार देगा, ठीक है। ऐसे बात यार जो सेकंड कॉलेज है वो हेरिटेज, ठीक है। हेरिटेज की सबसे बड़ा बात है कि इसका भी यार CST का यार रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, तुम लोग देख सकते हो इसका CST में हम लोग का सीट है करीब 60 सीट है एंड 60 मतलब कल भी लगा यार तुम्हारे CST का अगर मेन देखोगे तो 180 सीट है, बाकी सब में 60 करके यार सीट है, ठीक है। अगर हम इसका यार मेन बात करेंगे तो इसका यार इंपॉर्टेंट बात है कि इसका भी यार पैकेज या फिर प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफी अच्छा यार, 87% ऑफ बच्चे प्लेस्ड हुए थे कोरोना के टाइम में, 2021 का रिकॉर्ड ये कॉलेज अभी तक हम लोग को नहीं दिया है। इसका एवरेज पैकेज 4 लाख के जो तुम लोग देख सकते हो इधर, जो कि एवरेज जाते हैं हर एक स्टूडेंट का, ठीक है। अच्छा हेरिटेज का सबसे बड़ा बात क्या है, इसका फीस स्ट्रक्चर भी यार काफी हद तक मिलता जुलता है तुम्हारे IEM से। देखो यार IEM का फीस स्ट्रक्चर तुम लोग अगर देखोगे तो IEM के भी यार फीस स्ट्रक्चर है, फर्स्ट सेमेस्टर 96,200, अगर हम बात करेंगे हेरिटेज का भी 72,000 मतलब 72,000 है। तो काइंड ऑफ ये दोनों कॉलेज के टक्कर में आते हैं, बट अगर हम अच्छा अगर प्लेसमेंट के रिकॉर्ड में बोलेंगे तो यार IEM ज्यादा बेहतर है, हेरिटेज भी यार उसके बाद मतलब अंदर आते हैं उसके बाद, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी सब यार कैंपस बहुत अच्छे जो कि IEM का एकदम से अच्छा है, मतलब उतना अच्छा एकदम सा कैंपस नहीं है, बट इसका कैंपस बहुत ही अच्छे है। मेरा बहुत सारे फ्रेंड्स इसके ऊपर पढ़ते हैं, मैं स्वयं इस कॉलेज को एक बार विजिट भी किया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा था, ठीक है। कॉलेज मतलब काफी अच्छा है, ठीक है, हेरिटेज यार समझ पा रहे हो। तीसरा कॉलेज की अगर हम बात करेंगे तो ये है यार एकदम अनबायस जजमेंट, हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो भैया इसका क्या बात है, इसका यार एक नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है कुछ दिन के अंदर, हम ट्राई करेंगे जितना जल्दी हो सके डाल देना। इसके अंदर हम बात करेंगे तो यार CST का मेन का 180 सीट है, अगर हम बात करेंगे तुम्हारे IT या फिर CST के अदर ब्रांच की तो यार अदर जो है डेटा साइंस साइबर सिक्योरिटी एंड मशीन लर्निंग, इसका भी यार 60 करके यार सीट बढ़ाया गया है, राइट। अच्छा अभी यार बात क्या है भैया, हल्दिया का प्लेसमेंट क्या है? यार हल्दिया का प्लेसमेंट मेरे हाथ से बेहतर कोई यूट्यूबर नहीं जानता, पता है क्यों? क्यों यार? क्योंकि भैया आपका कॉलेज इसलिए
नहीं यार मेरा कॉलेज तो है ऑब्वियसली, उसको छोड़ के फिर मेरे को यार थोड़ा अंदर खबर खबर पता है, प्लस मैं इस कॉलेज के अंदर जुड़ा हूँ, प्लस मेरे को यार लास्ट इसका 5 साल का ऑफिशियल प्लेसमेंट रिकॉर्ड पता है, तो मैं इसके लिए तुमको अनबायसली यार मैं बोला था जजमेंट दूंगा अनबायसली, ठीक है। बाकी सब कॉलेज तुमको रिकॉर्ड दिखाता है, ये तुमको यार रियल फैक्ट्स दिखाता है, ठीक है। अच्छा भैया, तो इस कॉलेज का यार खासियत क्या है? यार खासियत इसका कैंपस, कैंपस बहुत बड़ा है, 50 एकड़ से करीब करीब कैंपस है, ठीक है, तुम लोग देख सकते हो। एंड इसके साथ साथ इसके अगर हम प्लेसमेंट रिकॉर्ड की बात करेंगे, भैया प्लेसमेंट क्या रिकॉर्ड है यार? प्लेसमेंट रिकॉर्ड है इसका है तुम्हारा लास्ट 2020 में 82% बच्चे प्लेस्ड हुए थे, मैक्सिमम 4 लाख केयर लगा था, तुम्हारे 40 लाख एलपीए था, वो हम नहीं पकड़ेंगे, हम पकड़ेंगे यार एवरेज पैकेज, तो 4.5 एलपीए है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा फो अगर तुम लोग चाहते हो कि भैया कोई क्या आप ऐसे कॉलेज, अगर मान लो मेरा रैंक उतना अच्छा नहीं है, तो क्या आप कोई हम लोग को हेल्प कर सकते हो? मैं तुम लोग को हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। नीचे गूगल फॉर्म दिया गया, उसको जाके यार फिलअप करो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू समथिंग फॉर यू ऑल, ठीक है, फॉर दिस कॉलेजेस, फॉर गेटिंग प्लेस्ड और फॉर गेटिंग एडमिटेड इन दिस कॉलेज, ठीक है, ये मेन बात है। अच्छा इसको छोड़ के अगर हम बात करेंगे यार, देखो ये थोड़ा कोलकाता से थोड़ा दूर है, ठीक है, आउटकट्स ऑफ कोलकाता है हल्दिया, बट मैं बोलूंगा मेरे पर्सनली 3 घंटे के अंदर तुम लोग पहुंच जाओगे कॉलेज के अंदर, ठीक है। अच्छा हॉस्टल्स उनको लेना पड़ेगा, बिकॉज अगर तुम बाहर से आ रहे हो, ऑन दैट केस हॉस्टल लेना अनिवार्य है। हॉस्टल कैसा है इसके ऊपर एक ब्लॉग आने वाला है कंप्लीट, मैं ट्राई करूंगा अगर शूट हो जाए तो मैं बहुत जल्दी डाल दूंगा ब्लॉग, ठीक है एवरीवन। अच्छा हॉस्टल्स, विदाउट हॉस्टल्स का फीस तुम लोग देख सकते हो, हॉस्टल्स 2000 के करीब करीब पर महीना पड़ता है, मैं बोलूंगा यार हॉस्टल्स काफी अच्छे हैं, ठीक है, कैसा है क्या नहीं है, मैं इन डिटेल्स डेप्थ में अगर तुम लोग वीडियो चाहते हो हल्दिया का तो कमेंट करो, मैं ट्राई करूंगा उसके ऊपर भी यार वीडियो डालना, राइट। अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड में दिखा दिया, एंड फीस स्ट्रक्चर भी काफी हद तक सेम है। इसके बाद है टेक्नो इंडिया मेन, मेन की अगर हम बात करेंगे तो ये उन दोनों कॉलेज से, इन तीनों कॉलेज से थोड़ा कम आता है NIRF रैंकिंग के अनुसार, बट ये भी यार काफी हद तक ठीक ठाक कॉलेज है, ठीक है। अगर हम प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखेंगे तो तुम लोग देख सकते हो 96% बच्चे प्लेस्ड हुए थे, इसका एलपीए है थोड़ा, मतलब जो एवरेज पैकेज है उसका थोड़ा हाई है, 6.5 है, लास्ट साल गया था, मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ, बहुत अच्छा एक एलपीए दिया गया है बाय दिस, ठीक है। टेक्नो इंडिया मेन, टेक्नो इंडिया मेन ही अच्छा है यार, मतलब सबसे अच्छा है उसको अदर कॉलेज को छोड़ के, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर तुम लोग एक बार देख लें, मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉलेज है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मतलब जो NSIT हो तुम लोग बोल सकते हो, इसका जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड रिसेंट ईयर में बहुत ही अच्छे हो रहे हैं, 5.1 एवरेज गया था लास्ट साल, मतलब 2020 का जो रिकॉर्ड दिया गया है तुम लोग देख सकते हो। NIRF रैंकिंग भी यार इसका है टॉप 300 कॉलेज के अंदर, इसका 5 स्टार रेटिंग है बोल सकते हो, ठीक है। बट हल्दिया का रैंकिंग थोड़ा ज्यादा है, उसके बाद IIM, देन तुम्हारे हेरिटेज, देन हल्दिया आते हैं, उसके बाद टेक में सब लोग आते हैं, ठीक है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, इसका फीस स्ट्रक्चर एक ही जैसा है बोल सकते हो, तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। बाकी सब तो यार तुम लोग ऊपर यार दे दिया गया पीपीटी, एक बार चेकआउट कर लो, तुमको हर एक चीज पता चल जाएगा। एनीवेज सो यही था यार 5 टॉप 5 कॉलेज मैं किसके ऊपर जजमेंट करके तुमको दिया, मैं ये भी यार बोल दिया इतने कम टाइम के अंदर, मैं ट्राई किया वीडियो को जितना शॉर्ट है करना। सी यू, हैव अ वेरी गुड टाइम, गुड बाय, गुड नाइट, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग कैंपस एडमिशन, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली फिल अप द गूगल फॉर्म गिवन बिलो, राइट।